राहुल गांधी के कांग्रेस में नंबर दो बनने पर पीसीसी में जश्न मनाया गया। जयपुर में चल रही चिंतन बैठक में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया है। एआईसीसी के सभी महासचिव अब राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे, यानी अब तय हो गया है कि राहुल गांधी की अगुवाई में अलग लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा चुकी है। हनुमानगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को बस स्टैंड स्थित पंचवटी होटल से गिरफ्तार कर उनके पास से 41 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए गिरोह ने भोपाल सहित बनारस, पटना, गोरखपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। गौतम नगर इलाके में सुलभ कॉम्प्लेक्स से लौटते वक्त एक नाबालिग से बलात्कार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर के पास रहने वाला आरोपी अनिल पंथी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने बीओ प्रबंधन को परीक्षाओं और रिजल्ट में देरी के मामले में उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर बीएस निरंजन ने बीओ रजिस्ट्रार संजय तिवारी को ऑफिस बुलाकर फटकार लगाई। कमिश्नर ने रजिस्ट्रार से कहा है कि वे लिखित में दे कि आखिर कब तक परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी। 1100 क्वार्टर्स के पास बनी पानी की टंकी की स्थिति बहुत ही खराब है। टंकी में कई जगह तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। रहवासियों का कहना है कि अगर जल्द इसकी कोई कार्रवाई ना हुई तो साईं बाबा नगर जैसा हादसा फिर हो सकता है। साथ ही टंकी से पानी की सप्लाई बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की है। चाणक्यपुरी यशबाग फाटक के पास देशी शराब की दुकान हटाने को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दुकानें पूरी तरह से अवैधानिक और नियम विरुद्ध हैं। साथ ही दुकान के पास ही कन्या स्कूल, मंदिर और मस्जिद भी हैं, जिससे यहां आने वाले लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस संबंध में पहले भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एमपी वाहन चालक सेवा समिति ने स्कूल वैन को पेट्रोल से चलाने की बाध्यता समाप्त करने और फिटनेस के लिए 6 माह का समय दिए जाने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि स्कूल मारुति वैन संचालकों का नोटिस या समय अवधि में जवाब न देने पर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि गलत है, जिसे लेकर इन्होंने मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमीद कुरैशी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से न किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिंटो हॉल में मौन धरना दिया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रशासन को समय से उनके देहांत की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक थंब टोकन सिस्टम सुविधा लोगों के लिए परेशानी की वजह बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि लाइन में खड़े होकर जितने समय में टोकन प्राप्त होता है, उतने समय में पहले रिजर्वेशन मिल जाया करता था। टोकन सिस्टम में बुजुर्ग, विकलांग और महिलाओं के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेले गए एसबीआई इंटर सर्कल हॉकी टूर्नामेंट में भोपाल ने कब्जा जमाया। भोपाल की टीम ने चेन्नई को 4-2 से हराकर जीत दर्ज की। ऑल इंडिया एसबीआई हॉकी चैंपियनशिप में स्टेट बैंक के 14 में से 10 मंडलों की टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, बैंक के मुख्य महाप्रबंधक दिनेश खरे ने पुरस्कृत कर खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 17वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट में दैनिक भास्कर ने साधना न्यूज को 8 विकेट से हरा दिया। लीग मुकाबले के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए साधना न्यूज की टीम 17 ओवरों में 102 रनों पर ही सिमट गई, जिसके जवाब में भास्कर की टीम ने मनीष दीक्षित के 37 और शक्तिबोध भटनागर के 24 रनों के सहारे मैच 8 विकेट से जीत लिया। पोलियो जैसी घातक बीमारी के बारे में लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से जागरूकता कार रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने किया। लिंक रोड नंबर 1 से शुरू हुई वाहन रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई सिटी नगर स्टेडियम पर समाप्त हुई। पराधीन भारत में किसान आंदोलन की जानकारी देने के उद्देश्य से स्वराज भवन में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों की भूमिका से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही कई वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। दुष्यंत कुमार की स्मृति में गजल को समर्पित गजलायन 3 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बद्रवासी, मयंक श्रीवास्तव, शिव कुमार अर्जन, सुरेंद्र श्रीवास्तव ने गजलों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। दुष्यंत कुमार संग्रहालय में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद थे।